दरभंगा से बड़ी अपडेट, लोक आस्था का महापर्व छठ लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन अचानक घटना घट जाती है। देखते ही देखते महिलाएं के कपड़ा में आग लग जाती है। लोग कुछ समझ पाते तब तक महिला झुलस चुकी होती है। लोगों की खुशियां चीख पुकार में बदल जाता है। लोक आस्था के महापर्व के अवसर पर एक जगह नहीं अलग अलग घटना घटी है। आपको बता दें कि दरभंगा शहर के भीड़भाड़ इलाकों वाली छठ घाट हराही पोखर पर एक महिला बुरी तरह से झुलस गई थी। आनन फानन में प्रशासन की ओर से जो एम्बुलेंस दी गई थी उस पर महिला को DMCH अस्पताल भेज दिया गया। यही नहीं, दरभंगा के DMCH में अब तक कुल 3 दर्जन मरीज आ चुके हैं। बेनीपट्टी छठ घाट से उमा देवी और बचिया देवी, बिरहौना से मनीषा देवी और कुसुमा देवी एवं आशा देवी DMCH के लिए चुनौती बनी हुई है। इलाज का हल कैसे निकलेगा? वहीं आपको बता दें, लोगों का कहना है दिया से छठ घाट पर महिलाओं के कपड़ा में आग लग गई है। वहीं कई बता रहे हैं कि पटाखा की चिंगारी से भी महिला के कपड़े में आग लग गई थी। सभी बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। कुल संख्या 3 दर्जन के पार चली गई है। सर आए थे, क्या पाए? क्या पाए? आप लोगों को पाए, आप ही सबको बुलाए। अरे एक मरीज आ गया था, ज्यादा किसी का हाथ पकार था, किसी को आँख में पावर था, डॉक्टर सब आ गए थे। डॉक्टर तो हमेशा अच्छे रहते हैं सर? नहीं नहीं, हमेशा नहीं अच्छे रहता है। कौन देख रहा है अभी? तो नहीं कुछ कौन डॉक्टर लोग नहीं नहीं, देखिए आपको आँख के डॉक्टर यहाँ नहीं ठीक है ना, और कान के डॉक्टर नहीं ठीक है ना। बाकी लोग तो यहाँ हैं, दिनियानंद जी अपने हैं, उसके बाद मनीष है, राजू है, ऑर्थो वाला उसी रूम में बैठा हुआ है, इस रूम में आपको ही है, आसिफ है सर्जरी वाला। देखा गया कि सर आप कई जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उसके ऊपर काफी आप नाराज हो रहे थे। नहीं हम नाराज नहीं होते, देखिए अब हमारा उम्र है, ब्लड प्रेशर है, तो थोड़ा हम जोर से बोल देते हैं, नाराज क्या, हमको तो सबसे मिला जुला के काम करना पड़ता है। हाँ। सिस्टर लोगों को भी देखा गया, आपने खुद ही देखा कि वो लोग रूम में थी? ये बात सही है, उन लोगों को मैंने कहा है थोड़ा एक्टिव हो जाइए, कहे तो आप कुछ बोल, सब चाहता है तो हमको कुछ नौता है, हमको बुला दें, उनको बता, अपने मन में ये भावना आनी चाहिए एकाएक मरीज आ गया है तो हम सारे लोग मिलकर। महापर्व के दिन में 12 बंद केस आया सर? हर साल आता है? हर साल आता है, हर साल की। क्या लगा सर, आप संतुष्ट हुए आप आए इस व्यवस्था में, जिस तरह से 12-13 पेशेंट बन के आ गए? मेरी संतुष्टि से नहीं मतलब है, मरीज को संतुष्टि मिले। अब आप घूम आइए, किसी को असंतोष है? नहीं, आपके आने के बाद तो काफी बदलाव दिखा है, आपके स्टाफ भी आया, आपने कई लोगों को फोन किया है, यहाँ पे जो स्टाफ है। लेकिन मेरा काम है काम कराना, हम काम को देखेंगे कि नाम को देखेंगे, जो नहीं आए वो भी तो आए। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमको कोई बुलाता, हम घाट पर थे, यहाँ थे, वहाँ थे। यहाँ एक और कमी देखी जाती है सर, कि जो डॉक्टर हैं खास तौर से, अब वो ड्रेस में नहीं होते हैं, जिसको लेकर के भी मरीज या फिर उनके परिजनों को बड़ी परेशानी होती है पहचानने में। इसका फायदा नुकसान दोनों, ड्रेस में रहेगा तो डॉक्टर को पहचान लीजिए, रहना चाहिए ड्रेस को, ये अच्छी बात है, लेकिन ड्रेस में डॉक्टर रहेगा तो मरा हो जाता। हम अभी गायनी वार्ड में देखे हैं, अटेंडेंट सब डॉक्टर को पकड़ के पीटा, एप्रॉन में थी, और कैसे हम लोग जान बचाए हैं, 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई, उसमें मैं आप क्या करते हैं बताइए। इसका क्या उपाय है? समाज को भी, समाज की भी जिम्मेवारी है, डॉक्टर को तो ड्रेस में रहना चाहिए, लेकिन समाज को भी जो है ना धैर्य के साथ इलाज करना, समाज भी उग्र हो जाता है, कभी यहाँ मारो वहाँ मारो, कभी डॉक्टर से बच सकते, डॉक्टर के लिए तो ड्रेस कोड है, प्रॉब्लम उसको रहना चाहिए, हम तो बराबर कहते हैं भाई, आप लोगों को समझ नहीं है। आज हुआ है सर गेम पर ना? हाँ, बराबर, वहाँ तो बराबर होता है ना, लड़कियाँ रहती है और उसको जो है 10 आदमी है, खून देने के लिए कहेगा तो 200 का 200 भाग जाता है कैंटीन से। और तो रात में भी एक घटना हुई थी, एक मरीज नाम है मकराना की, क्या नाम था उसको, हम आए हैं उसको 2 बोतल ब्लड दिलाए हैं, तब उसका ऑपरेशन हुआ, खून देने के लिए सारा अटेंडेंट भाग गया, हंगामा करने के लिए सारा अटेंडेंट फोन करता। अस्पताल पर लोगों का विश्वास है और बढ़ रहा है, आप लोग इस चीज को देखिए, मान लीजिए 10 मिनट लेट ही से सबका इलाज हो गया ना, आप घूम के वहां से यहाँ तक आइए, मेन उद्देश्य है इलाज हो जाना चाहिए।
आपके आने के बाद सर मेरे समझा जाए कि सुपरिटेंडेंट है तो इलाज अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं है अगर हम थोड़े इलाज के इलाज नहीं, नहीं माना जाए क्योंकि जिस तरीके से सर आप आए उसके बाद सभी हरकत में आए हैं। नहीं हम की हमको निर्मल जी फोन किए, हम बोले आप फोन को रख, हम अपने से गाड़ी चला के चले आए, क्या है तो हम बात करते किसी को कहते फोन करते उसे अच्छा था हम खुद चले आए, हम चले आए तो हमारे सारे टीम जो है सो एक्टिव हो गई। अरे सर एक आखिरी प्रश्न, जितने भी यहाँ स्टाफ थे एज एन मेल एंड फीमेल नर्स टाइम 7 बजे चले गए जबकि उसके उसके 15 मिनट के बाद दूसरे स्टाफ आए हैं, क्या 10-5 मिनट इधर उधर नहीं होते? नहीं नहीं उचित तो ये है जो उनका डिलीवर आता तब जाता है, अभी हमने देखे उनकी ड्यूटी ऑफ हुई है उनको वेट कर लेना चाहिए था, लेकिन ये क्या कहेगा मानवीय भावना लोगों में बची नहीं, सेवा भावना बची नहीं, आप क्या कर सकते।